हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अमृत प्रताप, शिक्षा कुंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दसवीं एवं बारहवीं बिहार बोर्ड में जो आप लोगों ने परचम लहराया है, यह परचम अद्वितीय और काल्पनिक और एक नए इतिहास को रचा है इस बार का परिणाम। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिभावक और आपके गुरुजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी जद्दोजहद की मेहनत की होगी। बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को जीवन के मोड़ में लिए गए निर्णय और उस निर्णय से आपके कैरियर पे हुए प्रभावों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप सुनकर समझकर आप जो निर्णय लेंगे, आपके जीवन और आपके कैरियर, आपके शैक्षणिक कैरियर में बहुत बड़े बदलाव का यह एक संदेश होगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि अक्सर में अपने चारों और बच्चों को मैं देखता हूं कि वो पढ़ने में काफी मेधावी, काफी प्रतिभान होते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे कैरियर काउंसलर के अभाव में, एक अच्छे कोच के अभाव में वो बच्चा जहां तक पहुंच सकता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब कि किसी चीज की जानकारी नहीं रहने के कारण हम किसी काम को करने के लिए तो हम बहुत जद्दोजहद से करते हैं, लेकिन उसका सटीक तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है और सही उसका विधि क्या है, नहीं जानकारी होने के कारण हमें बहुत लंबा समय लग जाता है उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए और कई सारे बच्चे निराश भी होकर वापस लौट जाते हैं परिणाम नहीं मिलने के कारण। तो बच्चों, आप इस पूरे वीडियो को काफी ध्यान से सुनेंगे और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का एक संदेश लेके आ रहा है। मैंने सबसे पहले जो दो बच्चे हमारे दसवीं जो इस बार बिहार बोर्ड से बेहतर अंक से जो बच्चे हमारे पास किए हैं, अक्सर मैं बच्चों में एक अभिधारणा देखा हूं, क्योंकि आप लोग क्लास 10 तक इंग्लिश आपके बोर्ड में कंपलसरी विषय नहीं है, जिसके कारण आप इंग्लिश के सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं और नहीं ध्यान देने के कारण स्वाभाविक है कि जिस भाषा पे हम ध्यान नहीं देंगे वह भाषा हमारा तो कमजोर होगा ही। ऐसे में बच्चों के मन में मैंने एक डर देखा है कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है तो मैं एक अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर सकता हूं। इस तरह की बातें उनके मन में पहले से ही कहा जाए इसको प्रवाग्रहित रूप से बैठा रहता है। नहीं बच्चों, आप क्लास 10 तक इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़े कि आपके सिलेबस में उसको कंपलसरी नहीं किया गया था, लेकिन आप साइंस तो पढ़े, आप मैथ्स तो पढ़े, आप सोशल साइंस तो पढ़े, आप संस्कृत तो पढ़े, आप हिंदी तो पढ़े, ये क्यों पढ़े, आपको कंपलसरी था। तो कंपलसरी था तो आपने पढ़ाई किया, जो कंपलसरी नहीं था उस पर आपने पढ़ाई किया लेकिन ध्यान आप उस पर कम। अब हम बात करते हैं जब आप 12th में प्रवेश कर रहे हो, तो मैं पूरा यकीनन के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं उनका सपना होता है कि मैं साइंस लेके 12th की तैयारी करूं, 11th 12th में साइंस को मैं पढ़ूं। बच्चों, 11th 12th आपके कैरियर का, यानी यहां से आपका एक नया मोड़ है और इस मोड़ को आप जितना सफलता और धैर्य से पार करेंगे आप जीवन में उतनी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। इस समय आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, इस वीडियो में मैं प्रयास करता हूं कि उन सारे प्रश्नों का आपका जवाब दूं और उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न अधूरे रह जाते हैं, आपको अगर नहीं लगता है कि मुझे और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप बेधड़क हमारे शिक्षा कुंज पटेल मैदान के पीछे समस्तीपुर आप हमारे ऑफिस आइए, हम आपको एक बेहतर गाइडेंस करेंगे और आपके जीवन को, जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हम आपके साथ जद्दोजहद मेहनत और आपको हम गाइडेंस करेंगे। अब बच्चे, आप 11th 12th की बात करते हैं,
कि जब आप 11th 12th की पढ़ाई को स्टार्ट करते हो तो एक दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे हैं कि जो कॉलेज में साइंस विषय से एडमिशन ले लिए और जो पूर्व की तरह बच्चे जो पढ़ रहे हैं कहीं कहीं पे जाके अपना कोचिंग ज्वाइन कर लिए, सिलेबस पढ़ रहे हैं, बेस पेपर याद कर रहे हैं जहां तहां से पढ़े और एग्जाम के समय में रट्टा मार के किसी तरह से एग्जाम को पास कर लिए। और एक वो बच्चे हैं कि जिनके दिल में लालसा है कि नहीं, मैं साइंस लेके साइंस के क्षेत्र में कुछ बड़ा करूं, मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम कंप्लीट करूं, मैं मेडिकल का एग्जाम कंप्लीट करूं, मैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना को कंप्लीट करके भारत सरकार से छात्रवृत्ति को प्राप्त करूं, मैं ओलंपियाड का एग्जाम दूं, मैं एनडीए का एग्जाम दूं, मैं एससीआई का एग्जाम दूं, ये सारी चीजों को लेके आपके दिल में एक पहले से सपना आप सजो रखे होंगे। इस सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों हमारी प्राथमिक फर्स्ट स्टेप कहते हैं ना कि किसी बड़े मंजिल को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए जो हमारा पहला कदम होता है वो मायने रखते हैं। किसी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की मजबूती नहीं बताती है, उस इमारत की मजबूती धरातल के नीचे बना हुआ स्ट्रक्चर बताता है कि यह इमारत कितनी मजबूत है। ठीक इसी तरह से साइंस के क्षेत्र में जो अब अभी आप नए करियर को शुरुआत करने जा रहे हो, इसमें आपका लिया गया पहला स्टेप आपके पूरे करियर को प्रभावित करेगा। आप सबसे पहले जिस चीज की आप तैयारी करने के लिए मन में आप सोच रखे हैं उसके आप सही से उसके बारे में आप काफी सही से जानकारी लें। ऐसा नहीं कि गलत जानकारी के कारण किसी गलत संस्थान में आप जाके नामांकन करा लें और वहां पे आपको ना सही समय पे सिलेबस पूरा करें, ना आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाए, ना सही विषय वस्तु के बारे में जानकारी आपको दें और आपको तरह तरह का झांसा और तरह तरह का ठेकेदारी की तरह बात करना कि आपको हम परिणाम में ये करा देंगे, आपको परिणाम में हम वो करा देंगे और आपको भटका के और आपके करियर को बर्बाद करने वाले संस्थान के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जानकारी लेना होगा संस्थान में कि शहर का वो कौन सा संस्थान है जो आपको संपूर्ण 11th का पढ़ाई कराए, शहर का वो कौन सा संस्थान है जो 12th का पूरा पढ़ाई कराए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको कौन समय से पूरा कराता है। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की हम बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही बच्चों अनिवार्य है। मैं देखता हूं कि काफी प्रतिभान जो बच्चे हमारे होते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, सही जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके अंदर में करने की क्षमता है लेकिन उनको दिशा नहीं दिखाया जाता है, जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके कारण बच्चे हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। अति मेधावी रहने के कारण भी सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण बच्चे हमारे बड़े परिणाम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप जब साइंस लेते हो और कहीं भी आप किसी के निर्देशन में आप पढ़ने जाते हैं, किसी भी संस्थान को चुनते हैं, तो सबसे पहले आप ये चुने उस संस्थान के बारे में पता करें कि वो बच्चों को साइंस के लिए कराते क्या है। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट का ठेकेदार बनते हैं या आपको बताते हैं कि हम आपको जो इंटरमीडिएट के आधार पर जो कंपटीशन की परीक्षा है, इंजीनियरिंग की परीक्षा है, मेडिकल की परीक्षा है, केवीपीवाई की परीक्षा है, एससीआरए की परीक्षा है, एनडीए की परीक्षा है, मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप इतनी कंपटीशन का नाम बताए हैं, हमारा अंग्रेजी कमजोर है तो हम कैसे करेंगे। बच्चों जब छोटे बेबी को आप घर में देखते हैं, जो नवजात शिशु है वो अचानक दौड़ने नहीं लगते हैं, वो अचानक मैराथन नहीं दौड़ते हैं, वो पहले घर की कोई लकड़ी का मेज, कभी लकड़ी का कुर्सी या दीवार पकड़ के खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, लेकिन उस बच्चे का साहस और दृढ़ संकल्प उसको खड़ा होने का साहस देता है और दौड़ने का भी साहस देता है। अंग्रेजी हमारा कमजोर है तो क्या हो गया, अंग्रेजी तो हमारी भाषा भी नहीं है, हमारी भाषा हिंदी है, हमें हिंदी तो आता है ना, तो फिर हमें किस बात की सर, हम अंग्रेजी को आज से उस पर काम करना चालू करेंगे, जो हमारे 11th 12th के लिए हमें जितना जरूरी है हम उस पर काम करेंगे और उसको 6 महीने में उस दिक्कत को दूर करके, और मैं भी डॉक्टर इंजीनियर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एससीआई एनडीए कंप्लीट करूंगा, ऐसे आप अपने मन में संकल्प लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, हमारा संस्थान आपके लिए जद्दोजहद मेहनत करके आपको इस दौर तक तय कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों साइंस में वो बच्चे जो अपना बड़ा सपना देखे हो
कि हमें कुछ साइंस में लेके करना है, मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी संस्थान में जाने से पहले आप संस्थान, वहां के पढ़ाने वाले शिक्षक, वहां के जो निदेशक है उनकी योग्यता, उनकी शैक्षणिक क्या योग्यता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या पढ़ाई कर किया है, इस चीज के बारे में आप जानकारी लें। अगर आपके कोच बेहतर होते हैं तो आप बेहतर खिलाड़ी देखते हुए बनते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपके अच्छे मार्गदर्शक रहेंगे, आप अच्छे टीम को अगर चुनेंगे, आप अच्छे संस्थान को चुनेंगे, तो आपकी तैयारी उसी अनुरूप होगी। तो बच्चों बातें तो बहुत सारी और भी हम आपको अलग अलग वीडियो में कैसे कैसे मतलब तैयारी कराएंगे, क्या हमारी योजना है, हम आपको आज जो बताए हैं जिस जिस कॉम्पिटिशन का नाम, इसके लिए क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे हमारी टीम आपको तैयारी कराएगी, कितने दिनों में तैयारी कराएगी, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको आज एक और विशेष जानकारी दे दूं कि बहुत सारे बच्चे शिक्षक उन संस्थान के बारे में सोचते हैं कि ये संस्थान ज्यादा फीस लेती है। कतई नहीं बच्चों, हम मेधावी छात्रों के लिए हम लोग हर परिस्थिति में चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा, हमारा जिला का बच्चा बेहतर हम उसको शिक्षा दें और वो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसमें बेहतर अंक को हासिल करें। जैसा ही आप पूर्व में शिक्षा कुंज का रिजल्ट का रिकॉर्ड आप पलटेंगे तो आप देखेंगे कि समस्तीपुर का यह एकमात्र संस्थान है जहां से बच्चे मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग का परीक्षा कंप्लीट करके अपने सपनों को पूरा किया है। हमने वैसे भी बच्चों को यहां से कंप्लीट कराया है, जिस बच्चे के पास फूस का घर हुआ करता था, उसके पिताजी राजमिस्त्री होते थे, लेकिन वो पढ़ने में काफी मेधावी, जब वो संस्थान आता है मैं उससे पूछता हूँ कि बाबू तुम क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हो, तो बच्चा जवाब देता है कि सर मुझे सपना है इंजीनियर बनने का। संस्थान उसके लिए जद्दोजहद मेहनत, यहाँ की शिक्षक टीम, यहाँ की सारी टीम दिन रात उनको मेहनत करके और हम लोगों ने उसको यूनियन कॉलेज में पहुंचा के आज वो हमारा बच्चा एसेंचर जैसे एनएनसी कंपनी में कार्यरत है। तो बच्चों मैं आपको भी इस चीज को सुनिश्चित करता हूँ कि आप कतई नहीं घबराएं कि आर्थिक कमजोरी के कारण हम आपके मेधा को पीछे होने देंगे। आप अपने मेधा को प्रूफ करें, हम आपके रास्ते में जो आर्थिक कमजोरी नाम का रोड़ा है हम उसको वहां से ऐसा जगह उठा के फेंकेंगे कि फिर आपके जीवन में दोबारा रोड़ा नहीं आएगा। तो मैं आप सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2022 में जो बच्चे 450 से अधिक अंक लाए हैं उनको हम लोग 11वीं एवं 12वीं, फिर से सुनिए, 11वीं एवं 12वीं की संपूर्ण कोर्स की पढ़ाई मात्र हम 5000 में करवाएंगे। जो बच्चे 450 से अधिक लाए, फिर से सुनना है कि जो बच्चे 450 नंबर से 450 नंबर से अधिक लाए उनको हम लोग 11वीं एवं 12वीं की संपूर्ण कोर्स की पढ़ाई मात्र 5000 में, और जो बच्चे 400 से अधिक अंक लाए हैं उनको हम संपूर्ण कोर्स की पढ़ाई मात्र 10000 में कराएंगे। जो बच्चे 350 नंबर यानी 350 नंबर से अधिक लाए हैं उनको हम लोग संपूर्ण कोर्स की तैयारी 14000 में करवाएंगे, और जो बच्चे 300 से अधिक नंबर लाए हैं उन बच्चों को हम 11वीं एवं 12वीं की संपूर्ण कोर्स की तैयारी मात्र 16000 रुपया में कराएंगे। और बच्चे आपके जीवन में और भी कोई दिक्कत आप महसूस करते हो तो आप हमारे संस्थान पे आओ, और भी किसी प्रकार की कठिनाई है आप शिक्षा कुंज के ऑफिस पे आइए, हमसे मिलिए, हम आपका दिक्कत सुनेंगे और जो दिक्कत आपकी होगी हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। और आपको आपका अगर सपना डॉक्टर, इंजीनियर या जीवन में आपको बेहतर मान लीजिए साइंस के सेक्टर में, साइंस के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, उस सपनों को हम पूरा करेंगे, हमारी टीम पूरा करेंगे। फिर से बच्चों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी बधाई, आपके अभिभावक को बहुत बहुत बधाई जो आपके बच्चे ने इतना अच्छा परिणाम लाया है, और आपके गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम जिन्होंने निस्वार्थ रूप से आपको जद्दोजहद मेहनत करके आपके पीछे और आपको इस परिणाम तक पहुंचाया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।